ये है दाल और चावल, और इसको मैं ऐसे सानूंगी। आज मेरा गला बहुत खराब है, सर्दी हो रही है। और इधर मैं नैन्सी के लिए पराठे सेक रही हूँ, और बन गए पराठे। नाश्ते के लिए भी बना रही हूँ। इधर चाय चढ़ा रखी हूँ, थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए और नैन्सी के लिए। बाकी पराठे हो चुके, चार पराठे बनाए हैं। नैन्सी जग चुकी हैं, स्कूल जा रही हैं, तो यही सब हो रहा है। सुबह सुबह में मैंने सोचा ब्लॉगिंग शुरू कर दूं, वीडियो का इंट्रो कर दूं, उसके बाद फिर कंटिन्यू होता रहेगा धीरे धीरे। बोतल रखी फ्रिज में, बोतल लगने लगी थोड़ी थोड़ी। नैन्सी का चाय नाश्ता, दाल मोठ है, नमकीन और चाय। सुबह सुबह आप लोग भी आइए और पीजिए। सुबह की जगी हुई हूँ, 8 बज गया, तैयारी शुरू हो रही है। मेरा आपकी कृपा से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून हो चुका है क्योंकि आज 1 बजने वाला है, और मैं वीडियो में अभी आई हूँ। सुबह में मैं अपना थोबड़ा नहीं दिखाई थी, अभी मैं आप लोग को अपना थोबड़ा दिखा रही हूँ। बाल, मतलब कि बाल में तेल लगाया हुआ है बहुत सारा, चिपकू चिपकू वाला। और अभी मैं चली भोजन बनाने। भोजन में आज क्या बनाऊंगी? कुछ नहीं बनाऊंगी, फेयर कुछ भी नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि कोई रेसिपी नहीं है। बस क्या बनाऊंगी? दाल और राइस, अरहर की दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। दाल में थोड़ा सा ढाबा स्टाइल तड़का मारूंगी। कल बनी थी खस्ता कचौरी, आलू की सब्जी, तो आज नॉर्मल खाना रहेगा, सिंपल नॉर्मल। अब होली आ रही, तो होली पे कुछ ना कुछ तो बनेगा गाइस, बनता ही पूरी तो बनेगी, पूरी सब्जी यही सब जो भी बनता है। भुजिया वगैरह अभी मैं नहीं बनाई हूँ, सामान थोड़ा बहुत लेके आई हूँ, अभी पूरा सामान लेके नहीं आई क्योंकि अभी पैसा नहीं आया। जब पैसा आ जाएगा तो सामान लेके आऊँगी। और नैन्सी स्कूल गई हैं, उनको सब्जी पराठा सुबह में दिया था बना के। और तुम्हारी तरफ नहीं कर, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं तो इसलिए कैमरे को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। और अब मैं चली भोजन को, भोजन की शुरुआत करने। नहीं, आज बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत देर हो गई। नैन्सी अभी स्कूल से आ जाएगी तो खाना नहीं बना रहेगा, चिल्लाने लगेंगी। बस यही था और कुछ भी नहीं। वीडियो में बने रहिएगा गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। कमेंट ऑप्शन है, आप लोग अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। एवरीवन, तो अभी मेरी दाल बन चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, तड़का वड़का जो मार रही हूँ इसमें। तो इसमें मैंने ऑयल डाला है, और मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, और क्या डालूंगी, जीरा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा। ये सरसों दाना, और ये सूखी 2 लाल मिर्च, और क्या डालूंगी, और तो कुछ नहीं डालूंगी। और ये छोटे प्याज मैंने कट करके रखे हैं, ये डालूंगी। तो चलिए चलिए, ढाबा स्टाइल दाल आप लोग भी बनाइए। टमाटर ऐड करूंगी मैं अभी, काला हो चुका है, तो अभी मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, मैं ना सुनूं। हरा धनिया ऐड करूंगी, अभी मैं इसमें एक बॉईल लगाऊंगी। ये मेरी ढाबा स्टाइल दाल है। फिर मुझे बहुत दूध लग जाता है, ये मेरे घर में लग रहा है, ये चाय बहुत खराब है, ऐसे करो तो जल्दी से होता नहीं है। तो देख के इनका भविष्य इनसे बता देते हैं, इससे पूछ रहा बताइए मेरे वर्तमान के बारे में और प्रेजेंट के बारे में और भविष्य के बारे में। नल्ले वो नल्ले थे, नल्ले रहो। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं पड़ी? अभी नहीं, ट्यूसडे से। मम्मा,
हाँ नैन्सी आ चुकी है स्कूल से, खाना खाने जा रही हैं। अब क्या करोगी, अब तुम क्या करोगी? बेवफा 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 निकली तू। ये है नैन्सी का खाना, दाल है फ्राई दाल और चावल और इधर थोड़ा सा प्याज और नींबू के साथ नैन्सी चल पड़ी हूँ खाने। लो पकड़ो, गरम है। फिर से मैं आ गई कैमरे में, तुम ना आओ, तुमको गुस्सा लगता है, चलिए इनको भी गुस्सा आने लगा कैमरे में आने से, मतलब वीडियो में बनाती तो इनको भी गुस्सा आता, पहले नहीं आता था, पहले वीडियो में मेरी हेल्प करती थी। मेरा जैसे ट्राइपॉड टूटा हुआ है तो उसको सिर्फ किचन में लगा सकती हूँ, वो भी ऐसे ही लग सकता है, अगर हम ऐसे सोचे उसको सीधा करके लगाने का तो नहीं लग पाता है, बस इतने पे ही रुका हुआ है, वो भी कपड़ा लगा के मैंने उसको, कपड़ा उपड़ा लगा के जैसे भी एडजस्ट किया है। तो कभी कभी इनको बोल दो कि कैमरा पकड़ लो नैन्सी, थोड़ा सा हेल्प कर दो, जैसे खाना बना रही हूँ तो सिर्फ सब्जी सब्जी खाना जो भी बना रहे हैं वही है, जैसे दूर से कुछ दिखाना हो तो आप ट्राइपॉड ऐसे करके नहीं लगा सकते, वो सीधा जैसे मोबाइल कर दो तो दिखने लगे तो नहीं लगता, टूट ही गया है पूरा। इनको बोल देती थी तो इनको भी गुस्सा आने लगा, अरे आप तीन बार चार बार पकड़वाती हैं, इनको भी तेवर आने लगा, सबको तेवर है, मैं वीडियो बनाती हूँ ले तेवर सबका हाई रहता है। मैं सोचती हूँ मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो, यही सोचती रहती हूँ कि किस लिए मर रही हूँ, इतना परेशान हो रही हूँ। तो अभी वीडियो का एंड करूँगी गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद क्या आएगा, पसंद तो नहीं आता है, चाहे कितना भी अच्छा बनाओ कोई पसंद नहीं आता किसी को ज़्यादा, फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा करें, अच्छा हो। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी, इतना इजीली बनाने का तरीका, हर चीज़ डालते रहते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता है, इससे अच्छा 5 मिनट बकबक कर लो, वीडियो डाल दो, जाना हो जाए, ना जाना हो ना जाए। तो अभी रात का बज रहा है, 9 बजने वाला है, 8:30 हो रहा है और मैं वीडियो का एंड करूँगी। अभी मैं आलू बॉयल करके रखी हूँ रात के खाने के लिए, तो आज मैं सिर्फ आलू का चोखा बनाऊँगी, उसमें प्याज वगैरह डाल के, टमाटर नहीं डालूँगी, प्याज तेल वगैरह जो भी डाला जाता है, और रोटी बनाऊँगी। आटा लगा के रख दिया, आलू बॉयल करके रख दिया, अब जा रही हूँ बनाऊँगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।